बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मगर पढ़ेगा कब, जब स्कूल तक पहुंचेगा। आप अपने स्क्रीन पे जो ये दृश्य देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले का है, जहां पर रंगफरा कॉलेज को पाने के लिए जो सड़क उस तरफ जाती है उसकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। रोड टूटी और बिखरी हो तो कहा जाता है कि सड़क की स्थिति चरमराती हुई है, मगर यहाँ सड़क भी शायद आपको कोशिश करके ढूंढने पर दिखेगा। ये वीडियो उसी स्थानीय युवा और छात्र द्वारा फेसबुक पर अपलोड किया गया था, जिसके माध्यम से हमें मिला। आइए मिलते हैं उस व्यक्ति से जिसने इस वीडियो को अपलोड किया था और जानते हैं इस विषय पे और कुछ, क्योंकि इंडिया को बढ़ने के लिए अगर पढ़ना जरूरी है तो पढ़ने के लिए स्कूल तक कॉलेज तक पहुँचना आवश्यक है। और ऐसे सड़क की स्थिति में क्या संभव है कि स्टूडेंट कॉलेज या स्कूल तक पहुंच पाएं, और अगर वो ना पहुंच पाएं तो कैसे इंडिया पढ़ेगा और कैसे इंडिया बढ़ेगा। काफी बार हमने देश में सुना होगा कि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, मगर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के रंगपारा गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट की तकलीफ सुनने के बाद हो सकता है कि आप भी कहें कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मगर कॉलेज तक कैसे पहुंचेगा इंडिया। दो दिन पहले फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड की गई थी और वो वीडियो दिखा रही थी कि क्या बुरी स्थिति है रंगपारा गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचने वाले रास्ते की। और ये वीडियो अपलोड जिन्होंने किया था बाथी साइखाम, वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साइखाम जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, मैंने पिछले दो दिन पहले वो जो सड़क है उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्या समस्या है। हाँ जी जी, मेरा नाम है बोथिंग टाइकम, मैं रंगपारा गवर्नमेंट कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, मैंने दो दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड किया था, जो हमारा कॉलेज का रोड है वो बहुत ही खराब स्थिति में है, तो उसके कारण मुझे फेसबुक पे अपलोड करना पड़ा है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये जो हमारे जो रास्ते है वो 5 या 6 साल से बन रहा है, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। हमने अभी मैंने 2 दिन पहले जो अपलोड वीडियो किया था वो लगभग कॉलेज से 1.5 या 2 किलोमीटर दूरी पे है, और उससे भी पहले बहुत सारा खराब रास्ता है जगह जगह पर। और ये रास्ता के लिए पहले भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने आवाज़ उठाया था, तो उसका भी कुछ नहीं हो पाया, तो उसके कारण स्टूडेंट ने भी बहुत साथ दिया उनका, और फिर आवाज को दबाया गया था। तो उसे